ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, मैं आपके साथ लक्ष्मी। तो सीधे आपको ले चलेंगे दिल्ली, जहां पर सीएम केजरीवाल लाइव है। सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी आजादी के बाद की पीढ़ियों के ऊपर छोड़ के वो सब लोग चले गए। आज जब हम लोग 75 साल मना रहे हैं आजादी के, और आज गणतंत्र दिवस के 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तरफ हम आजकल मीडिया में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में भी खूब देखते हैं, सुनते हैं कि हमारी सीमाओं के ऊपर चाइना पिछले कुछ वर्षों से हमें आंखें दिखा रहा है। आज ही देश के एक बहुत नामी गिरामी अखबार में छपा है कि चाइना ने हमारे देश की कुछ धरती, कुछ जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय, सभी भारतवासियों के लिए चिंता का विषय। उन लोगों से, चाइना के सैनिकों से हमारे सैनिक, उनसे लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते, अपनी पूरी बहादुरी के साथ हमारे सैनिक चाइना का मुकाबला कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। एक तरफ हमारे सैनिक चाइना का मुकाबला कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, तो दूसरी तरफ पूरे देश को, सारी सरकारों को, हर भारतवासी को हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के साथ दें। हमारा भी फर्ज बनता है कि चाइना को कड़ा संदेश दिया जाए कि भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम चाइना का बहिष्कार करें और उसको सख्त संदेश दें। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने क्या किया? एक तरफ चाइना हमें आंख दिखा रहा है, हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है, और दूसरी तरफ हम चाइना से अपना व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। 2020 में हम लोगों ने चाइना से $65 बिलियन का सामान खरीदा, $65 बिलियन का सामान खरीदा 2020 में, और 2021 में हमने $95 बिलियन का सामान खरीदा, 50% बढ़ा दिया। हम तो चाइना को और अमीर बनाते जा रहे हैं, उनसे और सामान खरीद रहे हैं, उनको और पैसा दे रहे हैं, हमारे ही पैसे से वो और हथियार खरीद रहे हैं, और सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं, और हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। ये तो सही नहीं है। अगर किसी से झगड़ा हो तो हम उससे और सामान थोड़ी खरीदेंगे, और ज्यादा सामान थोड़ी खरीदेंगे। और क्या खरीद रहे हैं हम चाइना से? चप्पल खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, गद्दे खरीद रहे हैं, कुशन खरीद रहे हैं, चश्मे खरीद रहे हैं। ये सारी चीजें तो हम भी बना सकते हैं, हमारे देश में ज्यादा अच्छी बन सकती है।
जितनी चप्पल हम जूते जितने गद्दे उनसे खरीदते हैं, कुशन खरीदते हैं, चश्मे खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, मूर्तियां खरीदते हैं, आप ये मान के चलो कि उतना ये सामान हमारे भारत में कम बनता है। अगर अपने भारत के अंदर हम ये सारा सामान क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। हमारे भारत में क्या कमी है? चप्पलें खूब बनती हैं, और बननी चाहिए। गद्दे खूब बनते हैं, कुशन खूब बनते हैं, तकिए खूब बनते हैं, मूर्तियां खूब बनती हैं, खिलौने खूब बनते हैं। ये ऐसा सामान तो है नहीं कि हमने हमारे देश में क्यों नहीं बन सकते? खूब बन सकते हैं। और अगर हमारे देश में यह सारा सामान बनेगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। हम अपना सारा काम एक तरह से अपने बच्चों की सारी नौकरियां सारे रोजगार चाइना के लोगों को देते जा रहे हैं। अपने लोगों को अगर हम मौका दें, सारा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके, अपने व्यापारियों को, अपने उद्योगपतियों को अगर मौका दें, सारी सुविधाएं दें, तो हम ये सारी चीजें अपने देश के अंदर बना सकते हैं और अपने हजारों लाखों करोड़ों युवाओं को एक तरफ नौकरी मिलेगी और चाइना को कड़ा संदेश जाएगा कि हमें तुम्हारे सामान की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाओ वरना तुम्हें हम मजा चखा सकते हैं। एक तरफ अपने देश के पिछले 4-5-6 सालों के अंदर 12 लाख व्यापारी उद्योगपति अपना देश छोड़ के चले गए, भारत छोड़ के बाहर चले गए, अपनी व्यवस्था से परेशान होके, अपने एजेंसी से परेशान होके, अपने व्यापारियों को, उद्योगपतियों को हमने इतना दुखी कर रखा है, इतने तंग आ चुके हैं अपने देश के अंदर व्यापारी और उद्योगपति की अपने देश में धंधा करना मुश्किल हो गया। लोग छोड़ छोड़ के, भारत छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। 12 लाख लोग पिछले 5 साल के अंदर भारत छोड़ के चले गए। अपने लोगों को, भारत के लोगों को तो हम भगा रहे हैं और चाइना से सारा सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? भारत को आगे तो भारत के लोग ही ले जाएंगे, कोई बाहर से, अमेरिका से या चाइना से आके तो अपने देश को तरक्की नहीं करेगा। अपने देश के लोग अपने देश की तरक्की करेंगे। अपने देश के लोगों को बाहर भेजने के लिए मजबूर करने की बजाय ये समय है जब पूरी दुनिया में जितने भारत के लोग हैं अपने देश के अंदर ऐसी व्यवस्था करें कि सारी दुनिया के भारत के लोग इंडिया आके और इंडिया की तरक्की करने लगे। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे दो चीजों पे गौर करने की जरूरत है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जान की बाजी लगा के एक तरफ देश को आजाद कराया, अंग्रेजों को, विदेशियों को खदेड़ के बाहर भेज दिया, और दूसरी तरफ जनतंत्र की स्थापना की हमारी सरकार, हम भारत के लोग, हमने संविधान बनाया है, ये देश हमारा है, ये देश भारत के लोगों का है। जनतंत्र की स्थापना की 26 जनवरी 1950 को, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर हम देख रहे हैं इसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी आंच आने लगी है। जनता सुप्रीम है, 130 करोड़ भारत के लोग सुप्रीम है, इनके ऊपर कोई नहीं है। जनता की चुनी हुई सरकारें सुप्रीम है, जनता वोट डालती है, वोट डाल के अपनी सरकार चुनती है, वो सरकारें सुप्रीम है। जो जनता कहेगी वही वो सरकार करेगी। जनता के ऊपर कोई नहीं है, जनता की चुनी हुई सरकारों के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं एक राज्य ऐसा है जहां पे वहां के गवर्नर ने, जनता की चुनी हुई सरकार ने इतने कानून पास करे, गवर्नर कानून पे दस्तखत करने को तैयार नहीं है।